ठीक है, अभी अपन यहाँ से D7, अभी तो कल वाला है, स्पीड का ये देखा था अपन ने। इसी में देखो एक चीज़ और है, वो अपन ने कल देखी थी, यानी रिवर्स करने का नहीं देखा था ना कल अपन ने, वो बता देता हूँ मैं। जो स्पीड वाला सेक्शन था ना अपना, राइट क्लिक करके अपन गए थे यहाँ पे स्पीड एंड ड्यूरेशन, यहीं पे ऑप्शन आता है रिवर्स स्पीड का ना, जैसे अपना कोई भी वीडियो अपना चल रहा है, ठीक है कुछ नहीं, मैं राइट क्लिक किया यहाँ पे, गया स्पीड एंड ड्यूरेशन, ये बताया था मैंने अपने को नॉर्मल करने के लिए स्पीड, है ना। यहाँ पे जितना भी परसेंटेज बढ़ाएंगे देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, आगे कर रहा हूँ मैं तो फास्ट हो रहा है, अगर मैं स्पीड, क्योंकि मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ ना, उसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ मतलब वो फास्ट हो रहा है, तो ये देखो ये हो गया फास्ट। वहीं अगर मैं उसकी स्पीड में जाके अगर स्पीड को कम करूँगा तो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, है ना। बाकी अपन क्लिक करके वैल्यू डाल भी सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर, अगर क्लिक नहीं करेंगे तो देखो ये एरो ऐसा आएगा, तो इससे अपन आगे पीछे कर सकते हैं इसमें, तो वैल्यू चेंज आएगी, और नॉर्मली परसेंटेज के हिसाब से करना तो वो भी कर सकते हैं ना। उसके बाद सेम या ड्यूरेशन में भी यही है, कि अपने को फिक्स पता है कि भैया कितने सेकेंड का वीडियो अपने को चाहिए, तो उस कंडीशन में अपन यहाँ से ड्यूरेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब इसमें क्या है, एक यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये होता है मेंटेन ऑडियो पिच, तो ये क्या करेगा अपने को, जैसे अपना कोई वीडियो है वो वीडियो बहुत स्लो लग रहा है अपने को, उसको अपन फास्ट कर दे, उसमें वॉइस ओवर भी है, तो नॉर्मली अगर कोई वीडियो अपन करते हैं फास्ट तो उसका पिच चेंज होता है। म्यूजिक आ रहा है, अब देखो ये है इसका नॉर्मल बोल रहा है, अब मैंने इसको स्पीड करी फास्ट यहाँ से, तो अब इसकी वॉइस सुनो, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, राइट क्लिक स्पीड में गए, और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा मेंटेन ऑडियो पिच, ठीक। और बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा भी नहीं कि अपन ने मान लो बहुत ही एकदम फास्ट कर दिया और वहाँ पर भी सही आवाज़ आएगी, ऐसा नहीं होगा, कुछ परसेंटेज अगर अपन कर रहे तो वहाँ हो जाएगा, मान लो 115%, 118% करा इसको, ठीक है। अभी अपने कितना करा, 118% करा, अब इसको नॉर्मली अगर मैं 118% करता हूँ यहाँ से, ठीक है सेम सेम है, दोनों की स्पीड सेम बराबर है ना, सिर्फ इसमें क्या करा उसने कि पिच जो है उसको उसने प्रॉपर लिया है, और यहाँ पर जो है पिच उसने उसके स्पीड के हिसाब से सेट कर दी है, ठीक है। तो इसलिए अपने पास ये ऑप्शन होता है यहाँ पे, इसको अपन मेंटेन पिच कर सकते हैं, ज़्यादातर जब भी यूज़ करते हैं अपने, जैसे कुछ रिकॉर्ड करा है या कुछ फुटेज अपने पास टाइम ड्यूरेशन कम है, और वो जो बोल रहा है या वॉइस ओवर आ रहा है अपने को पूरा डालना भी है, तो कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ पॉज है, जैसे यहाँ पर पॉज आ रहा ही है, तो इनको तो अपन कट कर देंगे, लेकिन इसके बाद भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत और कम पड़ रहा है यार, टाइम अपने पास है नहीं इतना, तो अपन इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो मेंटेन ऑडियो पिच को हमेशा चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है यहाँ पर रिवर्स स्पीड, जैसे ये अपने पास क्लिप जा रहा है, आगे जा रही है, यहाँ पर मैं क्या स्पीड में गया और यहाँ से मैंने कर दिया रिवर्स स्पीड, और ये कर दिया ओके, है तो अपना ये वीडियो रिवर्स हो गया, उल्टा चलने लग गया है ना। तो ये सिंपल सा है, बस रिवर्स स्पीड बस क्लिक करना है, और बाकी स्पीड अपन डायरेक्ट R प्रेस करके यहाँ से इसकी भी अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो वो सेम वही वैसे ही काम करेगा, रिवर्स करने का पड़ता है काम कहीं कहीं पे, म्यूजिक के हिसाब से अगर कुछ ऐसे करना हो तो, ये देखो रिवर्स में आ गया, ठीक है। जैसे अब अपने कल यहाँ पर, ठीक, अब जैसे ये है, अच्छा अपने को ये वीडियोस है, अभी मेरे को यहाँ से हाइड करूँगा तो मैं पूरा हाइड हो गया, लेकिन मेरे को यहाँ पे इनको चेंज करना है, तो मैं चाहता हूँ कि डिलीट भी नहीं करूँ और इनकी जगह पर दूसरे वीडियो रख के भी देख लूँ, तो उस कंडीशन में क्या करूँगा मैं, कि मैं इन सिलेक्ट करूँगा इन वीडियोज़ को, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इनको कर दूँगा यहाँ पर, देखो इनेबल पर टिक है, मतलब ये चालू है, इस पर टिक कर दिया तो ये ऑफ हो गए, तो अब मेरे को पूरी टाइमलाइन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये चीज़ देखना है वो दिखेगी और जहाँ ऑफ है वो ऑफ हो जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पर दिख भी रहा, हाईलाइट भी हो रहा अलग से, तो मैं यहाँ पर अब शॉट अपने डाल सकता हूँ जो भी मुझे डालने हैं, तो इससे क्या है कि मेरे को वो कट जो थे वो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे कट सेट करना, म्यूज़िक के साथ मैच नहीं करना, मेरे को इतने ही कट लगाने, तीन शॉट चाहिए यहाँ पर, जब शॉट चेंज करना रहे ऐसा कुछ करना रहे तो। हाँ यहाँ से शॉट यहाँ से ले रहा हूँ, जितनी सिलेक्ट करोगे, जितने सिलेक्ट करोगे उतने वीडियो आएगी, ऑडियो और वीडियो दोनों साथ में आएगी, यहाँ से ये वीडियो का साइन है और ये ऑडियो का साइन है, तुमको सेपरेट लेना है तो यहाँ से ले सकते हो वीडियो ओनली और ये ऑडियो ओनली, और यहाँ से लोगे तो पूरा आ जाएगा, जितना सिलेक्ट है, जितना सिलेक्ट है ये यहाँ से इन आउट, भले ये मेरा हेडर यहाँ भी है ना, तब भी लेगा यही वीडियो जो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है।
शिफ्ट करते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे लड़की यहाँ से ये जा रही है, ठीक है, ये वाला पार्ट लिया मैंने, ठीक है। अब रिवर्स कैसे यूज करते हैं अपन, जैसे अपन यहाँ पर 3 बीट आ रही है, मैंने इसको यहाँ से कट किया इसके बराबर, ठीक है, तो ये आगे जा रही है, ठीक है। सेम मैं ऑल्ट के साथ इसको पकड़ के आगे खींच लूँगा तो ये डुप्लीकेट हो गई। यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे लगा दिया रिवर्स, ठीक है, और इसके आगे यहाँ से वापस उठा के मैंने सेम क्लिप को रख दिया और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, तो अब ये ऐसा शो है। आए समझ में, रिवर्स कहाँ यूज़ करते हैं अपन, ये चल रहा है ऐसे, है ना। साउंड के साथ में यूज़ कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं, कोई जंप वाले सीन हो वहाँ कर सकते हैं, या म्यूज़िक वीडियोज़ जो रहते हैं उनके अंदर कुछ कुछ इफेक्ट पे ऐसी जगह आती है जहाँ पे रिवर्स करके दिखाना है, ठीक है, ऐसे अपन रिवर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और, जैसे ये तो अपना कल का हो गया, अभी अपन यहाँ से कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अपने को सबको क्लोज़ करना पड़ेगा, क्लोज़ नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। फाइल पे गया, मैंने क्लोज़ नहीं किया अभी, है ना, अपना प्रोजेक्ट खुला, मैं यहाँ पर नया न्यू और प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मैं इसको डे 8 कर देता हूँ, ठीक है। देखो नया प्रोजेक्ट है, पर यहाँ पर क्लिप दिख रही है वो की वही जो अपना लास्ट था, यहाँ पर दिखा रहा है प्रोजेक्ट 8 आ गया है, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट 7 अपना भी अभी है यहाँ पर। अब मान लो अपन ने सोचा मैंने तो नया प्रोजेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे काम चालू कर दूंगा, तो असल में तुम्हारा वो 7 प्रोजेक्ट ही है जो लास्ट वाला था, नया प्रोजेक्ट तुम्हारा 8 यहाँ पर है। अब उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर आके यहाँ पे फिर ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो कहीं तुमने फोल्डर वाइज इम्पोर्ट किया कुछ जिसमें तुमने अलग अलग बीन बनाए, तो वहाँ फिर कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए जब भी अपन नया करते हैं तो फाइल और क्लोज ऑल प्रोजेक्ट यहाँ पर कर दो, है ना। क्लोज ऑल नहीं करोगे तो भी क्लोज प्रोजेक्ट, तो जो करंट सिलेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट क्लोज होगा। अभी वो देखो 8 वाला अपन नया लिया था लेकिन वो क्लोज हो गया क्योंकि वो सिलेक्ट था। यहाँ पे फाइल ओपन रिसेंट, ये 8वां किया, ये देखो ये आ गया, हमें 7 को सिलेक्ट किया, फाइल क्लोज प्रोजेक्ट, ठीक है, चला गया, लगता है बाद वाला ही ले रहा है वो, ठीक है। तो अपने को बस ये ध्यान रखना है जब भी नया प्रोजेक्ट कर रहे ना अपना, ये पूरी तरह प्रीमियर जो है एकदम क्लीन हो, क्लोज ऑल प्रोजेक्ट सेव नहीं था इसलिए शायद वो नहीं करा उसने क्लोज, ठीक है। अब ये क्लीन हो गया पूरा अपना, नया प्रोजेक्ट अपन नए से चालू करते हैं, ठीक है, जस्ट ये अभी बनाया था इसको ले लेते वापस, ठीक है। स्पीड, कट, टाइमिंग, ये सब चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो गया क्लियर, है ना, तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी अपन यहाँ पर आते हैं, कुछ और चीज़ें डिटेल में देखते हैं अंदर, जैसे वीडियोज़ है अपने पास में, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इफेक्ट कंट्रोल में जाते तो अपने सारी चीज़ें देख ली थी ऑलमोस्ट, ना। इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पर ये ओपेसिटी रहती है, इसको जैसे ही ड्रॉप करते हैं अपन यहाँ पर नीचे डाउन, तो यहाँ पर देखो ओपेसिटी के आगे ये इसके ऊपर ये दिख रहा है 3 आइकन, पेन टूल यहाँ पर था, ये पेन टूल का काम सिर्फ शेप बनाने का था, और दूसरा अगर यहाँ पर अपने को जैसे अपन ने कल स्पीड वाले में किया था वैसे इसको यूज़ करके अपन यहाँ पर वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें अभी ऑडियो नहीं है इसलिए नहीं ले रहा है, बाकी वॉल्यूम में की लगा के अपन उसको भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से वो की यहाँ पर भी सेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो पेन टूल है ये अलग ही काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो अपन इसको देख लेते हैं, सर्कल वाले को, सर्कल देखो, सर्कल आ गया, उसने क्या कर दिया, मास्क क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसके पीछे अगर दूसरा वीडियो डालता हूँ, क्रिएट कर देते हैं अपन, देखो ऊपर वाला जो वीडियो है अपना वो उतने पार्ट में मास्क है, ठीक है, मतलब अपन ने क्या किया, जो ऊपर वाला वीडियो था उस पर अपन मास्क लगा दिया। सेम यहाँ पर अगर इसको स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है, तो जहाँ पे भी अपन इसको जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, हाँ, और पेन टूल से ड्रॉ कर सकते हैं, ये 3 टूल इस तरह काम करेंगे नॉर्मली, ये ओपेसिटी के अंदर आएंगे, है ना। बाहर अगर कर रहे हैं, बाहर से पेन टूल ले रहे हैं या बाहर से कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अलग ही ऑब्जेक्ट बना देगा, मतलब नया अलग से लेयर बना देगा यहाँ पर। ये अपन ने उस वीडियो के ऊपर ही किया हुआ है, अभी नीचे वाले वीडियो को अगर मैं हाइड भी कर दूँ तो ये देखो, ठीक है, तो मास्किंग के काम आता है, तो ये हमेशा मिलेगा अपने को ओपेसिटी के अंदर। अब इसके अंदर जब जैसे भी अपन ने जितने भी मास्क अपन ने बनाएंगे ओपेसिटी के अंदर, यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने इसको, ये देखो मास्क 1 मास्क 2, मतलब ये 2 मास्क हैं, तो जितने बनाते जाओगे वो यहाँ नंबरिंग होती जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर एक है पाथ, पाथ का मतलब है तुम जो तुम्हारा मास्क है, ट्रैक नहीं करना अभी, तुम्हारा जो मास्क है उसके ऊपर जो, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, देखो अब दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इस जगह लगाया, ठीक है, आगे गया, इसको मूव कर दिया, देखिए की फ्रेम, तो पाथ है अपने मास्क को एनिमेट करने के लिए, और सिर्फ पोजीशन नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस की फ्रेम पे मास्क ऐसा यहाँ से बड़ा हो जाए,
तो ये वो उसी की फ्रेम के ऊपर मास्क लगा हुआ है, ये देखो छोटा ये बड़ा। तो अपन मास्क का जो है क्या बोलेंगे उसको, शेप भी पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। सेम जैसे अब मैं फर्स्ट मास्क था, इस सेकेंड मास्क को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया अपना, ठीक यहाँ पे लग गया। जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, इस जगह पर आके मैं चाह रहा हूँ कि इस मास्क का जैसे ऐसा कुछ हो जाए, तो वो देखो ये एनिमेट हो गया मास्क अपना, ठीक है। तो इस तरह अपन मास्क को एनिमेट कर सकते हैं। अब ये चीज़ कहाँ काम आएगी, जैसे अपना ये लड़की वाला है, मैं डिलीट कर देता हूँ पूरा मास्क। जैसे मेरे पास में ये लड़की का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने एक मास्क लिया लड़की के ऊपर, ठीक, यहाँ पे मैंने लगा दिया इस पर मास्क पाथ, आगे जा रहे हैं और ये लड़की यहाँ तक आ गई, ठीक है। यहाँ पे आके मास्क को सिलेक्ट करके मैं सीधा यहाँ तक ले गया, सेंटर में कर दिया लड़की को। फर्स्ट फ्रेम पे आऊँगा यहाँ से, ट्रैकिंग का ये वाला है ना, ये ट्रैकिंग के टूल्स हैं, इनको बाद में देखेंगे ना, ये फ्रेम वाले ये है। तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे आया यहाँ पे, ठीक है, मेरा मास्क सही साट आ रहा है। लास्ट फ्रेम पे गया और यहाँ पर मैं इस मास्क को छोटा कर दूंगा। अब देखो इस तरह अपन एनिमेट कर सकते हैं मास्क को ना। किसी चीज़ को निकालना है अपने को अगर किसी वीडियो में से, तो वहाँ पे भी अपन इस पेन टूल को यूज़ करके उस मास्क को, जैसे पेन टूल लिया मैंने स्टार्टिंग में गए, तो यहाँ पे आके अपन ने यहाँ से इस बस को निकालना है। जैसे एक रफ रफ निकाल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया इस पर मास्क पास। अब क्या एक बस तो आ गई यहाँ पर, वीडियो है ये, इमेज होती तो चलो स्टिल थी, पीएनजी थी अपनी, पर वीडियो तो जैसे ही मैं मूव करूँगा ये देखो। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मास्क को सिलेक्ट करूँगा, एक एक पॉइंट करने से अच्छा शेप तो अपना सेम ही है, तो मैं इसे ड्रैग करके सारे पॉइंट को एक साथ सिलेक्ट कर लूँगा। और फिर इसको कर्सल के साथ शिफ्ट के साथ करेंगे तो जल्दी जल्दी मूव होगा, और मैं इसको मूव कर दूंगा जहाँ पे मेरे को लग रहा है। हाँ, एंगल चेंज हुआ तो बस का शेप भी चेंज होगा। जैसे कैमरा सीधा जा रहा है जब तक ठीक है, पर जैसे ही साइड में होगा, अब सीधा जाएगा तो सिर्फ साइज़ बढ़ेगा, लेकिन अगर कैमरा ऐसे साइड गया तो वो बस जो है वो उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, उसका प्रोस्पेक्टिव व्यू। तो वहाँ पर अपन इसको फिर मैनुअली यहाँ से करना पड़ेगा अपने को। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, ये देखो घूम गई बस ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका, अब अपन इसको छोटा बड़ा करने से मतलब नहीं है अपने को, अब इसका जो पॉइंट है उसको मैनुअली करना पड़ेगा। ये पकड़ के अपन इधर खींच दो, पहले तो एक शेप में ले आओ। देखो अब यहाँ पे अपने आगे तो मिला दिया, पर अभी टायर इसके गड़बड़, तो अपन यहाँ से ड्रैग करके सिर्फ टायर वाले सिलेक्ट किए अपन ने, की जो कि तुम सिलेक्ट करोगे सिर्फ उसी पे मूवमेंट या जो भी तुमको देना है साइज चेंज वेंज करना, वो सिर्फ वहीं पे हो पाएगा, है ना। ये देखो मैंने सिर्फ इतनी सिलेक्ट की ताकि पूरा एक एक नहीं करना पड़े, क्योंकि टायर का शेप तो सेम है, थोड़ा बहुत चेंज तो अपन बाद में भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन यहाँ से अलग हो गया पूरा, इसको मैं यहाँ से इधर इधर खसका दिया। मैं बेजल रहते हैं तो इसका अपने को जूम करके थोड़ा ध्यान कर लो। बेजल क्या करते हैं, बेसिकली जैसे कोई लाइन है ना तो उसमें कर्व बनाते हैं ये इस तरह से, दूर करोगे बड़ा कर देंगे पास कर देंगे, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ऐसे कर्व बनाते हैं, तो बेजल का काम यही रहता है। जैसे यहाँ पे पूरा स्ट्रेट है, यहाँ कर्व नहीं चाहिए अपने को, इस बेजल को यहाँ पे स्ट्रेट कर दो। देखो ऐसे अपन ने उस पर मास्क लगा दिया। अब ये क्या चीज़ है, ये है टाइम टेकिंग वाली प्रोसेस रहती है, बहुत बहुत धीरे धीरे बैठ के एक एक पॉइंट पे करना पड़ता है। तो इसके अल्टरनेटिव है जो आगे देखेंगे अपन, तो ऐसे मास्क काम करता है। अब यहाँ पर मास्क के अंदर भी ओपेसिटी जो है अपन कम ज़्यादा क्या नहीं, ये तीन ही रहेंगे, ये तीन पेन टूल स्क्वायर और ये तीन है। अब यहाँ पर अपन जैसे मास्क के अंदर गए, अब यहाँ पर ओपेसिटी अपन इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि अपन जब कम ज़्यादा कर रहे हैं ओपेसिटी, तो पूरे वीडियो की हो रही है, सिर्फ मास्क की नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक और मास्क ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करता हूँ, तो देखो पूरी की हो रही है ना। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सेपरेट सेपरेट करना है। तो यहाँ पर मास्क ओपेसिटी उसके अंदर ही है यहाँ पे, है ना। तो इसको कम करा तो देखो कार का कम हो गया, और इसकी ओपेसिटी कम करूँगा तो मैं इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। दूसरा इसमें आता है फैदर। फैदर क्या काम करेगा, तुम्हारा जो मास्क है ये अभी एज दिख रही है, ये बहुत मामूली सा फैदर है इसके आसपास, है ना, क्योंकि 10% इसको मैं ज़ीरो कर दूंगा अगर, तो वो हार्ड हो जाएगी, सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी, है ना। देखो और वहीं अगर इसकी वैल्यू अपन बढ़ा देते तो फैदर ऐसे हो जाता है ना। तो फैदर का यूज़ कहाँ करते, जैसे अपन ने किसी चीज़ का रोटो किया, इसको बेसिकली इसको रोटो करना बोलते हैं, मास्किंग करना या रोटो करना। तो अपन ने किसी चीज़ पे रोटो किया है और बहुत बारीक है, जैसे इसके बाल है, अब बाल पे अपन प्रॉपर करेंगे तो एक एक बाल तो कर नहीं पाएंगे, हल्के फुल्के बाल उड़ेंगे, वहाँ पर अपन फैदर दे सकते हैं।
तो उससे क्या होगा कि जो बाल है वो पीछे के बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मर्ज हो जाएंगे, तो जो जो उसकी हार्डनेस है उसकी जगह थोड़े सॉफ्ट हेयर दिखेंगे वहाँ पे, क्योंकि हार्डनेस पे तो क्या है क्लियर ही दिखेगा वो इस तरह का पूरा हार्ड। अब बाकी बॉडी पार्ट या एक्स्ट्रा चीज़ों पर चल जाता है, लेकिन बाल हुए या कोई ब्लर चीज़ है या इस टाइप की, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं चलती है, तो वहाँ पर फैदर देते हैं। अब पीछे जो जो भी अपना वीडियो है उसके साथ सिंपल ब्लेंड करने के लिए भी यूज़ होता है इसका। जैसे अपना एक कार है, देखो अगर मैं इसको हार्ड कर देता हूँ, हाँ ये हाइड करने के लिए, देखो अभी ये देखो दिख रही है कार, अभी मैं इसको अगर थोड़ा सा फैदर दे दूंगा ये देखो, तो अब वो क्या हो रहा है कि उसके साथ मर्ज हो गया, उसने बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दिया। हाँ अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फैदर दिया मैंने, पर अब जो फैदर है वो कार के अंदर भी जा रहा है, मतलब अपना जो मास्क है ये है, देखो अभी दिख रही लाइन अंदर और बाहर दोनों तरफ वो फैदर बढ़ा रहा है, मतलब बाहर की चीज़ को अंदर, अंदर की चीज़ को बाहर कर रहा है। यहाँ पर होता है मेक एक्सपेंशन, अभी इसके अंदर मास्क एक्सपेंशन को जैसे सिलेक्ट करता हूँ ना, तो देखो दिख रहा साइज अपना मास्किंग का साइज़ वही है, सिर्फ अपन ने उसको एक्सपेंड कर दिया है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि अपने को अब अपने को चाहिए था कि अंदर बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, फैदर सिर्फ बाहर ही काम करे, तो मैंने यहाँ से एक्सपेंड कर दिया उसको। तो ये देखो अब उसके साथ क्या हो रहा है, ये देखो है ना, ये बढ़ गया उसके साथ में, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसको इन्वर्स कर देता हूँ, अगर इसको मैं इन्वर्स कर देता हूँ, तो ये देखो ये मतलब इन्वर्स हो गया, पीछे का वीडियो अब ये अंदर दिखेगा, मतलब ये चीज़ जो थी यहाँ की ये मास्क की अपन ने, बाकी सारा जो है वो वीडियो चल रहा है। जैसे इसको हटाऊंगा ये देखो है ना, इन्वर्ट कर दिया अपन ने उसको सिंपल, सेम इसमें इसको भी इन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, अपन ने पहले इन्वर्ट किया एक मास्क इन्वर्ट हो चुका है, अब दूसरे को भी अगर इन्वर्ट कर रहे हैं तो वो तो उसने वापस से उसको रिवर्स कर दिया। तो उसके बाद अपने पास यहाँ पर ऑप्शन होते हैं ब्लेंड के, इसको अगर मैं इसको छोड़ता हूँ ये ब्लेंड इसमें काम नहीं कर, इसमें नहीं ये ब्लेंड, तो जो पूरे ऊपर जो वीडियो है ना उसके लिए वर्क करेगा ब्लेंडिंग जो मैंने बताया था तुमको, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है वो। जैसे ये पूरा सीक्वेंस था, अब ये नया सीक्वेंस बन गया, नेक्स्ट न्यू सीक्वेंस, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये अंदर देखो ये दिख रहा वही सब है ना। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे ये चीज़ करी अपने, ये इतने सारे वीडियोज है यहाँ पे, इधर भी है कुछ, यहाँ पे है ये इतना सब कुछ है, मैंने सबको सिलेक्ट किया ठीक है, राइट क्लिक किया और यहाँ से कर दिया इनको नेक्स्ट, जो भी नाम देना हो नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, ओके देखो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी तुमने इफेक्ट लगाए थे, कट लगाए, वीडियो, सब कुछ इसके अंदर चली गई है, इसके हाँ इसके अंदर। अब इसको जैसे ही तुम डबल क्लिक करोगे तो नया सीक्वेंस खुल गया ये। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे तुमने कुछ बनाया, अब यहाँ पर तुमने मान लो कि 15-20 अलग अलग फुटेज है, फुटेज सेम सेम है, सब कुछ सेम है, अब तुमको लास्ट में करना ही है कि सब में कलर ग्रेडिंग करना है, तो अब तुम एक एक को पकड़ के करोगे तो टाइम जाएगा, उसके बाद तुमने नेस्ट बनाया तो ये पूरा बन गया। अब इस पूरे के ऊपर तुम डायरेक्ट जो भी इफेक्ट डालोगे या कलर करना है वो पूरे पे ले लेगा, तो ये यहाँ पे फ़ायदा है अपने को। दूसरा जैसे हाँ, अब जैसे अपन ने मास्क बनाया था, अब यहाँ पर क्या हो रहा था मास्क के अंदर कि अपन एक मास्क बनाया अपन ने उसको तो कर दिया ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब मैं चाह रहा था कि यहाँ दूसरा भी एक और होलो बन जाए यहाँ पे, पर वो यहाँ पे पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही दूसरा मास्क लगाएंगे उसको इन्वर्स करेंगे तो ये हटा देगा वो। तो अपन ने नेस्ट बना लिया, अब नेस्ट बनाने के बाद क्या करा अपन ने, यहाँ पर आके अब दूसरा यहाँ पर मास्क बना दिया एक और, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया इन्वर्ट, ये बन गया अपने पास दो दो। अब मैं इसको नीचे अगर रखता हूँ तो ये देखो दिख रहे है ना, तो ये ऐसे अपन कितने भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर वापस और कुछ मास्क बना, फिर इसको वापस से प्रीकॉम बना सकते, ऐसा नहीं है कि इसको नेस्ट यहीं पे छोड़ो। मैं प्रीकॉम इसलिए निकल रहा बार बार, मैं उसे आफ्टर इफेक्ट में प्रीकॉम बोलते हैं इसको है ना। तो इसको जितने चाहे उतने, इसी को करना चाहे तो इसी की कॉपी करी। अच्छा इसमें एक चीज़ और क्या होगी, जैसे तुमने कॉपी करी, 1-2-3 कॉपी तुमने निकाल ली ना, अब यहाँ पे गए तुम अंदर जाके यहाँ कुछ भी चेंज करा, मान लो मैंने टेक्स्ट ही डाल दिया ठीक है, और अब मैं बाहर आता हूँ, दिखा टेक्स्ट दिखा, और ये तीनों में आ गया, मतलब जो तुम काम एक में करोगे वो सब में आ जाएगा। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपन, जैसे मान लो मैंने एक कुछ भी एक टेम्पलेट बनाई ठीक है, कुछ फेस्टिवल के लिए कुछ वीडियो बनाया, चलो अब मेरे को ये करना है कि उस फेस्टिवल के अंदर मेरे को अलग अलग लोगों के लिए बनाना है, उनके लोगो चिपकाने, तो मैं क्या करूँगा यार कि मैं बार बार एक के अंदर जाऊँगा, मेरे को 10 क्लाइंट का अलग से करके देना है, तो मैं बार बार 10 के चेंज करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा, मैंने एक ही बना के रखा सब कुछ। अब उसके अंदर क्या करा मैंने, यहाँ पर जो मेन लोगो है इसको चेंज करा तो सब में चेंज होगा, और मैं यहाँ पर दूसरा कुछ अगर यहाँ पर टेक्स्ट डाल देता हूँ ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने बनाया और इसको साथ में सिलेक्ट करा मैंने और इसको कर दिया मैंने नेक्स्ट वापस से ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि मेरे पास, मैं जब अंदर जाऊंगा, ये मेरे को मेरा नाम हर जगह चाहिए,
बाकी चीज़ें चेंज करना है, मान लो उसका लोगो डालना या वो जो डिज़ाइन बोले, पर ये नाम चेंज नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा। अब यहाँ पे आके अगर मैं यहाँ चेंज करता तो बाकी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो ये कॉम था जो बाकी है ना। तो मैं अगर इसके अंदर जो मेरा नाम डाला हुआ है इसके अंदर जाके, और अब मैं यहाँ जाके कुछ भी चेंज करूँ, मेरा जो नाम मैंने यहाँ डाला है ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब मैं अगर चाहूँ तो जो मैंने यहाँ कॉपियाँ निकाली थी ना, इनको वापस डिलीट कर देता हूँ, इस कॉपी को, इसकी कॉपियाँ निकाल देता हूँ यहाँ पे, ऑल्ट के साथ, है ना। तो अब मेरे को क्या करना है कि ये जो नाम मेरा आ रहा है वो तो सब में सेम ही आएगा, ये वाला है ना, ये स्टार्टिंग में, ये देखो ये सब में सेम आ रहा है। अब मैं चाहूँगा अंदर जाके इसको चेंज करूँगा, इसको चेंज करा तो ये सब में चेंज कर देगा, लेकिन मैं इसके अंदर आ रहा हूँ और यहाँ आके चेंज कर रहा हूँ मैं कुछ। तो अब देखो अपना जो मेन नाम था वो इसमें भी सेम है, और वो चीज़ जो सब में चेंज करना थी वो सब में चेंज हो भी गई है ना। इसको अपन और डिटेल में समझेंगे जैसे प्रोजेक्ट करेंगे ना, उसमें और अच्छे समझ में आएगा ये। अभी एक बेसिक वॉक थ्रू है कि कैसे ये काम करता है नेस्ट, ठीक है। ऐसे अपन नेस्ट बना बना के चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। क्या टेक्स्ट, ये इसको यहाँ क्लिक करके रखो यहाँ पे नीचे, हाँ जहाँ पर भी आइकन दिख रहा है साइड में छोटा छोटा, इसका मतलब और भी है इसमें, हाँ इसमें और भी है, दो से ज़्यादा भी हो सकते, कुछ भी। अब ये जैसे यहाँ नहीं दिख रहा, हाँ इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये एक ही है, ये भी सिंगल है, बाकी सबके अंदर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ क्लिक करके रखो, मतलब उसी पे भी क्लिक करके रखो, छोड़ोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा है ना, लेकिन क्लिक करके रखोगे तो ये खुल जाएगा, और फिर यहाँ पे जो भी चाहिए उसको सिलेक्ट करके छोड़ दो तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज स्पीड का हो गया, मास्किंग हो गया, और अपना नेस्ट हो गया, तीन चीज़ें हो गई है, इनकी प्रैक्टिस कर लो, बाकी कल देखते हैं।